हे दोस्तों, टॉफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड के उन फिल्मों के बारे में जो अगले महीने जुलाई में रिलीज होंगी। जुलाई के महीने में हॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्में आने वाली हैं। सुपर हीरो से लेकर एनिमेटेड, साई फाई, थ्रिल और एक्शन से भरी फिल्में अगले महीने जुलाई में देखने को मिलेंगी। एक अच्छी बात यह है कि ये सभी फिल्में हिंदी में भी आने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं जुलाई के महीने में आने वाली हॉलीवुड की 5 बड़ी फिल्मों के बारे में। अब तुम्हारी बात। नंबर 5, डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स। सुपर पेट्स डीसी कॉमिक सुपर हीरो टीम लीजन ऑफ सुपर पेट्स पर बेस्ड है, इसलिए मैं आप सुपर हीरो के पेट्स और उनके कॉमेडी से भरे कारनामे देखने वाले हैं। क्या होता है जब जस्टिस लीग की टीम को लेक्स लूथर पकड़ लेता है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां आप देखने वाले हैं कि कैसे सुपरमैन का डॉग सभी सुपर पेट्स को एक साथ लेके जस्टिस लीग की टीम को बचाता है। ये एक सुपर हीरो एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जो 29 जुलाई को रिलीज होगी, लेकिन अपने यहाँ ये फिल्म 29 जुलाई के बजाय 5 अगस्त को रिलीज होगी। और हाँ, ये फिल्म हिंदी में भी आने वाली है। मुझे सर झुका के सलाम कर। तुमसे कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। नंबर 4, नोप। 2017 में आई हॉरर थ्रिलर फिल्म गेट आउट को तो आप सबने देखा ही होगा। तो गेट आउट के मेकर्स एक और खतरनाक हॉरर फिल्म लेके आ रहे हैं। ये एक साईफाई हॉरर फिल्म है जिसे गेट आउट और अस फिल्म के डायरेक्टर जॉर्डन पीले ने डायरेक्ट किया है। बात करें नोप के ट्रेलर की तो ट्रेलर काफी खतरनाक है। यहाँ एक छोटे से टाउन में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं, कुछ एलियन जैसी कहानी लग रही है क्योंकि आसमान में कुछ उड़ रहा है, साथ ही एक एलियन शिप को भी दिखाया गया है। तो गेट आउट और अस की तरह जॉर्डन पीले की ये फिल्म भी काफी अलग होने वाली है। देखना होगा कि डायरेक्टर जॉर्डन पीले इस बार दर्शकों के सामने क्या पेश करते हैं। ये फिल्म 22 जुलाई को रिलीज होगी। नंबर 3, मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू। द राइज ऑफ ग्रू 2015 की सुपरहिट फिल्म मिनियंस की सिक्वल है। मिनियंस फिल्म को तो आप सबने देखा ही होगा, इतना तो है कि मिनियंस के कैरेक्टर को देखकर ही हंसी आ जाती है। पहले पार्ट के एंड में हमने देखा था कि कैसे मिनियंस गुरु से मिलते हैं, तो उसी पहले पार्ट की कहानी को अब इस दूसरे पार्ट में कंटिन्यू किया गया है। तो अब मिनियंस गुरु के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर गुरु को कोई किडनैप कर लेता है। अब देखना होगा कि कैसे मिनियंस अपने गुरु को बचाते हैं। ट्रेलर काफी ज्यादा कॉमेडी से भरा हुआ है। ये फिल्म सीरीज डिस्पेकेबल मी फ्रेंचाइज की स्पिन ऑफ है, जहां हम बचपन की गुरु और मिनियंस के कॉमेडी भरे कारनामे देखने वाले हैं। ये फिल्म 1 जुलाई को रिलीज होगी। नंबर 2, द ग्रे मैन। द ग्रे मैन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे रूसो ब्रदर्स ने डायरेक्ट किया है। रूसो ब्रदर्स ने ही द विंटर सोल्जर, सिविल वॉर, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया है। तो एवेंजर्स फिल्म के डायरेक्टर रूसो ब्रदर्स की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म आने वाली है। इस फिल्म में क्रिस इवांस और रायन गोसलिंग लीड रोल में नजर आएंगे। धनुष भी इस फिल्म में है, लेकिन ट्रेलर को देख के लगता है कि धनुष का इस फिल्म में ज्यादा रोल नहीं होगा, लेकिन धनुष है तो देखना होगा कि इस फिल्म में धनुष किस रोल में नजर आते हैं। ट्रेलर एक्शन और थ्रिल से भरा हुआ है। ये फिल्म 15 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। चूतिया जैसी मूंछों से लग रहा है कि तुम लॉयड हो। बहुत दम है। नंबर 1, थॉर लव एंड थंडर। एमसीयू की मच अवेटेड फिल्म थॉर लव एंड थंडर एमसीयू की 29वीं फिल्म है और ये फिल्म थॉर की 4थी फिल्म है। इस फिल्म को भी टाइका वाईटीटी ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ, थॉर रग्नारोक फिल्म के डायरेक्टर टाइका वाईटीटी ने ही इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। जहाँ क्रिस हेम्सवर्थ थॉर के रोल में नजर आएंगे, वहीं इस बार उनका सामना गॉड द गॉड बूचर से होने वाला है। गॉड द गॉड बूचर के रोल को क्रिस्टियन बेल प्ले कर रहे हैं। ट्रेलर में क्रिस्टियन बेल का लुक देखने लायक है। साथ ही थॉर की इस फिल्म में गार्डियंस की टीम भी नजर आएगी। ट्रेलर में वो सब कुछ है जो एक एमसीयू फैन देखना चाहता है। तो अब देखते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसे जाती है। थॉर लव एंड थंडर 8 जुलाई को रिलीज होगी, लेकिन अपने यहाँ ये फिल्म एक दिन पहले यानी कि 7 जुलाई को ही रिलीज हो रही है। साफ होगा सारा नजारा जब होगा मेरा एक इशारा। कुछ ज्यादा ही साफ कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कुछ बड़ी हॉलीवुड फिल्में जो जुलाई के महीने में रिलीज होंगी। आप किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।